एमजी हेक्टर में 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद क्या क्या कमियां आ चुकी हैं। मैं लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करता, खुद परखना पसंद करता हूं, और इसीलिए मैं अब चला रहा हूं एमजी हेक्टर 1,00,000 किलोमीटर चली हुई, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कि अब क्या हालात हैं हेक्टर के। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां हम परखेंगे हेक्टर को 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद क्या हैं इसके हालात। 1,00,000 किलोमीटर इतने होते हैं अच्छे अच्छे गाड़ियों के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। यही वजह थी कि मैंने कहा एमजी से, अगर आपकी कोई कार 50,000 60,000 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी हो तो प्लीज़ मुझे एक बार प्रोवाइड कराओ, मैं देखना चाहता हूँ वो कैसी परफॉर्म कर रही है। जब ये कार मुझे मिली तो एक बार मुझे भी शक हुआ, क्या ये सचमुच में इतनी चल गई है। मीटर देखा, परखा, सब कुछ जाना। अब उसके बाद बात करते हैं एस्ट्रिया के बारे में। लाइट बिल्कुल फिट है, कोई शिकायत नहीं। यहाँ पर ग्रिल पर जरूर थोड़े से साइन दिख रहे हैं एज के, शायद धूप की वजह से थोड़ा कलर इसका डल पड़ा है। हर चीज़ फिट एंड फिनिश के हिसाब से काफ़ी बेहतर है, मुझे जरा सी भी शिकायत यहाँ पर फील नहीं होती है। अब साइड प्रोफाइल पर बात करें तो यहाँ पर टायर जो है वो जरूर बदले हुए हैं, 1,00,000 किलोमीटर चल गई है, टायर तो बदले ही जाएंगे, लेकिन अलॉय व्हील्स इसके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, उनको लेके मुझे कोई शिकायत नहीं है। इनकी फिट एंड फिनिश भी काफ़ी बेहतर है, कोई बड़े स्केचेस इस पर भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। हर चीज़ वेल फिट एंड फाइन कंडीशन में दिख रही है, डोर हैंडल भी अच्छे हैं, नीचे जो ये सीट प्लेट है इस पर मॉरिस ग्राइजर लिखा हुआ है, इसका भी क्रोम बिल्कुल चमकदार है आज भी, और इवन ऊपर रूफ रेल भी बिल्कुल परफेक्टली फिट है। अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल पर कैसी है कार, क्या वहाँ पर कोई साइन दिख रहा है एज का 1,00,000 किलोमीटर चलने का। तो पहले मैं बूट खोल के ही देख लेता हूँ, और बूट की बात की जाए बूट आसानी से खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और शायद बंद करने में भी मुझे कोई अभी तक दिक्कत फील नहीं हुई है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छी कंडीशन में है। और हम बात करें स्पॉइलर की तो यह भी बिल्कुल फिट है, बढ़िया से टाइट सॉलिड है, कहीं से भी आपको एज फील नहीं होती है। इवन बम्पर भी बढ़िया से फिट एंड फिनिश कंडीशन में है। ओवरऑल कह सकता हूँ कि 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद भी यह आज भी बहुत बेहतर हालात में है। एक लाख 540 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन कंडीशन की बात की जाए तो स्टीयरिंग पर भी कोई निशान नहीं है किसी भी तरह के, सब कुछ वेल फिट है, कहीं से भी कुछ अंजर पंजर ढीला ढाला कुछ नहीं है, सब सारे लीवर्स बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं, इवन सारे बटन भी सही तरह से काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं कर रही है, गियर लीवर भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, बस थोड़े से हाथों के निशान यहाँ पर फील आ रहे हैं। यह हिस्सा भी बिल्कुल वेल पैक्ड कवर है, अच्छे से खुल रहा है, अच्छे से बंद हो रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, इवन आर्म रेस्ट भी इस पर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं जब सीट को एडजस्ट करता हूँ तो यह भी काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो रही है, इसमें भी किसी तरह का ग्लिच नहीं है कोई, और कहीं फंस नहीं रही है, यानी मैं सीधे कह सकता हूँ एक सिंपल शब्दों में कि गाड़ी की कंडीशन 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद भी बिल्कुल नए जैसी है, हर चीज़ प्रॉपर वर्क कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा ढीला हुआ है, शायद इसमें कुछ फंसाया गया था इसकी वजह से, बाकी केबिन लाइट हर चीज़ बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। रियर सीट पे बैठते एक चीज़ का फील तो बहुत अच्छे से आता है कि अभी भी दरवाजे वगैरह हर चीज़ बढ़िया से बंद हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ यहाँ भी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, ट्विटर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, इवन आर्म रेस्ट सब बढ़िया है, और ये जो यूएसबी पोर्ट के फ्लैप हैं ये भी अभी भी अच्छे से लगे हुए हैं, टिके हुए हैं, टूट नहीं गए, सारे एसी के वेंट, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्टली फिट है। 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद भी अगर कार के हर अंजर पंजर ढीले नहीं हुए तो इसका मतलब सही और शानदार बिल्ट क्वालिटी है। अब तक यह कार चल चुकी है 1,04,80 किलोमीटर, यानी जो चीज मुझे परखनी थी कि कार रिलायबल है या नहीं, वह बात इस कार में तो है, इतनी चली है तो डेफिनेटली कुछ कमियां भी आई होंगी।
चलाते समय जो मैंने नोटिस किए मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सस्पेंशन में थोड़ा सा वक्त फील होता है कि हाँ शायद जरूरत है, क्लच अभी भी अच्छा है, इंजन का रिस्पॉन्स काफी शानदार है, कोई दिक्कत नहीं फील हो रही है। माइल्ड हाइब्रिड बैटरी का जो सिस्टम है जो इस सीट के नीचे दिया हुआ है वह भी अच्छे से काम कर रहा है, यानी बैटरी चार्ज भी हो रही है और डिस्चार्ज भी हो रही है प्रॉपर। अच्छा प्लस पॉइंट एक और चीज मैंने नोटिस की है कि कार का इंजन बहुत स्मूथ है अभी भी, यानी अगले 1-2 लाख किलोमीटर के लिए बिल्कुल रेडी है। फ्यूल एफिशिएंसी सिटी में जो मैंने नोटिस किया है वो ये कि 9 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी सिटी में मिल रही है, लेकिन हाईवे पे ही है आराम से मुझे 14 का एवरेज दे रही है, जो इतनी बड़ी ह्यूज साइज की कार के लिए काफी अच्छा है। मैं इस समय चल रहा हूँ ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, और अभी जो मुझे डिस्प्ले में दिखा रहा है उसके अनुसार यह एवरेज दे रही है 17 का, जो बहुत अच्छी है। लेकिन कार नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, रोड पर बहुत तरह के हालात होते हैं। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी यह कार बहुत बेहतरीन है। ऐसा नहीं है कि कार में सब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियाँ मैंने भी नोटिस की हैं। जैसे इस कार में सबसे ज़्यादा कमी खली हमें इसके इतने बड़े बेहतरीन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में कोई भी इंटरनेट वाली फैसिलिटी नहीं है, ना ही कोई वॉइस कमांड वाले फीचर्स है। ड्राइविंग सेक्शन में अब सस्पेंशन वैसा काम नहीं करते जैसा कि नई कार में काम कर रहे थे। 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद कार की कंडीशन अच्छी है तो वह साबित करता है कि यह एक बेहतरीन कार है, और MG की हेक्टर एक रियली काफ़ी बेहतरीन कार है, और चलाते समय यह एहसास होता है कि यह अभी भी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच, कहीं कोई साइन नहीं है इस पर 1 लाख किलोमीटर चलने का, और इसी वजह से मैं कह सकता हूं अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा चाहिए तो हेक्टर से इनकार नहीं कर सकते। अच्छा एवरेज, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छी फिट एंड फिनिश MG की खासियत है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि 1 लाख किलोमीटर चली हुई कार को रिव्यू करने का मेरा भी यह पहला एक्सपीरियंस था। बताइएगा कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे, और ये वीडियो कैसा लगा वह भी लिखना ना भूलिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। मुलाकात होगी ऐसे किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।